अब आप हम आते हैं साइंस सब्जेक्ट पर। तो साइंस में आपका चैप्टर 3 कंप्लीट हो गया है। कल मैंने मॉडल टेस्ट पेपर 1 आपको कल एक्सप्लेन करा था। अब मैं चैप्टर 3 के क्वेश्चन आंसर आपको दे रही हूँ, वो आपको अपनी कॉपी में करने हैं, बहुत क्लीन राइटिंग में। तो ध्यान से सुनेंगे। व्हेन डज ए न्यू प्लांट ग्रो, एक नया प्लांट कब ग्रो होता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, नेम सम पार्ट्स ऑफ प्लांट्स विच आर ईटन एज फूड। आपको प्लांट के ऐसे पार्ट का नाम बताना है जो हम फूड के रूप में, खाने के रूप में खाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाई वी यूज स्पाइसेस इन फूड। हम अपने खाने में स्पाइसेस मीन्स मसाले क्यों मिलाते हैं, क्यों यूज करते हैं हम मसालों का, तो इसका आंसर आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 4, नेम एनी 5 फ्रूट्स। आपको 5 फ्रूट्स के नेम बताने हैं, तो वो तो आप अच्छी तरह जानते हैं, तो वो भी आपको लिखना है। इस तरह ये 4 क्वेश्चन हैं, इन 4 क्वेश्चन के आंसर आपको अपनी कॉपी पे लिखने हैं। अब बच्चों हम SST के टेस्ट पर आते हैं। तो SST के टेस्ट में आपको क्या करना है वो मैं आपको समझाती हूँ। तो SST का टेस्ट है ये 8 मार्क्स का, और इसमें है फिलअप्स। फिलअप्स करने हैं आपको कंप्लीट, और इसके लिए हिंट दी हुई है। हिंट में से आपको करेक्ट वर्ड चूज करके और फिलअप में फिल करना है। ये ओनली 4 फिलअप्स हैं। तो वो क्या है मैं एक्सप्लेन करती हूँ। ए डैश लिव्स टुगेदर इन ए हाउस। नंबर 2, डैश ऑफ ए फैमिली लुक्स आफ्टर ईच अदर। नंबर 3, द पेरेंट्स ऑफ आवर पेरेंट्स आर आवर। हमारे पेरेंट्स के पेरेंट्स आपके क्या होते हैं। नंबर 4, चिल्ड्रन ऑफ आवर आवर अंकल्स एंड आंट्स आर आवर। हमारे अंकल आंट के जो बच्चे हैं वो आपके क्या होते हैं, क्या लगते हैं। तो ये फिलअप्स हैं 4, और आपको हिंट में से वर्ड चूज़ करके इन्हें फिल करना है और ये कॉपी में करना है। ठीक है बच्चों, अब आपको मैं हिंदी समझाती हूँ।